और ये तीन खड़े हैं, ये क्या करेंगे? एक्टिंग। और आप लोग क्या करोगे? अर्थ बताओगे। क्या करोगे? अर्थ बताओगे। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। गुड, क्या होता है इतराना। अब अगला शब्द मैं बोल रही हूँ, रेडी? उत्साह। यस, बताओ उत्साह। वेरी गुड। अगला वर्ड है ताकना। घूर कर देखना। वेरी गुड, घूर कर देखना। अगला वर्ड है निहारना। निहारना मतलब किसी भी चीज को ध्यान से देखना। वेरी गुड, ध्यान से देखना। और अगला शब्द है वृक्ष। वृक्ष की एक्टिंग क्या करोगे? अरे वाह, इन्होंने पहले क्लाउड बनाया और फिर उसके नीचे क्या बनाया? स्टेम। ट्रंक। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? और तना बोलते हैं हिंदी में। तना किसको कहते हैं? देखो आप इसमें जल्दी जल्दी देखो, ये मैंने क्या बनाया है? बादल। और बादल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लाउड। वेरी गुड। और ये बादल से क्या गिरी? बूंद। बूंद को क्या बोलते हैं? वॉटर। आगे बढ़ो। ड र ओ प। वेरी गुड, वाटर ड्रॉप। और फिर वो बूंद कहाँ? जड़ को रूट्स। पढ़ो इसको, रूट्स। जड़ों को क्या बोलते हैं? रूट्स। अच्छा, फिर जड़े उस बूंद को कहाँ ले गई? तने में। तने में। और तने ने कहाँ भेज दिया उनको? डालियों पे। वेरी गुड, डालियों पे। और डालियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? पढ़ना नहीं आ रहा? अक्षर जोड़ो। ब र आ न। और सी एच से क्या बनता है? च। तो क्या बन गया? नच। ब र आ न च। ब्रांच। वेरी गुड, ब्रांच। क्या बना? ब्रांच। और ज्यादा है तो उसके पीछे एस या फिर ईएस लगता है, तुमने ईएस लगा दिया। ब्रांचेस। क्या बन गया? अच्छा जी, अब उसके बाद में ये देखो एक बारी। अच्छा, ये बूंद पहुंच तो गई, उससे क्या बन गया फिर? आम। वो मीठे मीठे आमों में आ गई कौन? बूंद। आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंगो। मैंगो। अब यहाँ पे एक बार देखो, वो बादल कैसे बनी थी बूंद? सूरज की किरणें। क्या किसके ऊपर पड़ी? बूंद पर। और फिर बूंद को क्या हुआ? गरम हो गई। क्या हो गई वो? गरम। और गरम होके क्या बन गई? भाप। और भाप बन के क्या बन गई? बादल। और बादल बन के फिर कहाँ आ गई? बारिश के साथ में जमीन पर। और जमीन पर आकर वो कहाँ गिरी? पेड़ की। और जड़ों से वो क्या बनी? आम बन गई। और आम बहुत कैसे होते हैं? रसीले। रसीले, मीठे मीठे होते हैं। ठीक है, लेसन समझ आ गया?